अब जो नेक्स्ट बकरी लग रही है ना कि जो तैयार है, जिसने तैयारी पकड़ लिया वो ये है। ठीक है ना, इसने कोई तैयारी नहीं पकड़ी है उतनी जितने इसने तैयारी पकड़ ली है। और ये है अभी अच्छी बकरी, ठीक है ना, तामल करने वाली है। इसने सही तैयारी पकड़ ली है। इसने देखा अभी कोई ज़्यादा तैयारी नहीं पकड़ी। ये देख दोनों कटी हो गई। ये बकरी अच्छी बकरी है और इसने भी कोई तैयारी नहीं पकड़ी। अब उम्मीद है कि जल्दी ना ये भी बच्चे दे देगी। हवा ना था, नक्शे तैयार किए इसने बैक साइड से ना, ये देखें ना, वरना इसका बैक साइड भी निकल रहा है। ये जितना ज़्यादा निकलता है ना उतना अच्छा बकरी दूध देने वाली होती है। और आगे से भी इसका हवाना थान सारा कुछ ना ठीक है, बैलेंस है। हवाना देखे बॉडी के साथ ऊपर लगा हुआ है, टूटा हुआ नहीं हुआ। बैक साइड से बैलेंस भी है। उम्मीद है कि ये बकरी अच्छा रिजल्ट देगी। जो इसकी पोजीशन है उसे देख के पता चल रहा है कि ये तकरीबन 4.5 किलो या हो सकता है 5 किलो तक ये जाए। उम्मीद की जा सकती है कि ये 4 से 5 में रहेगी। 5 का चांस 20 का बन रहा है। अगर ये हैर फिर ये से सही सलामत ये अपने को सोजिश ना ले आए हवाने में, या पानी ना पड़ जाए, या कोई मसला किसी किस्म का ना बने, क्योंकि बकरियों में अक्सर ये मसले बन जाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ब्रीड में हमारी, जिनमें कोई छांटी छूटी का तो सिस्टम ही नहीं होता ना। हर तरह के जानवर क्रॉसिंग में आते रहते हैं, अच्छे बुरे छांटी के बगैर वाले, ये तो काम चलता रहता है। अब ये बकरी है ना, इसका छोटा सा थानुवन है, इसको जो है ना, ये तो मेरे हिसाब से जो इसका साइज है, ये इतनी बकरी है बड़ी और थानुवाना, देखें मेरे हिसाब से ये बामुश्किल 1.5-2 किलो दूध देगी, 1.5 किलो 2 किलो। अच्छा दूध देने वाली बकरी नहीं, अब ये बकरी अच्छा दूध देने वाली है। ये उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये कि छोटा हवाना थोड़ा पीछे निकला हुआ है, थन छोटे हैं, जितने थान छोटे हों हवाना थोड़ा बैक पे निकला हुआ उभरा हुआ हो, जैसे ये देख ले, उतनी बकरी के दूध की कैपेसिटी बढ़ जाती है। शायद वो सारा निज़ाम छोटा सा हो ना, लेकिन दूध ज़्यादा होता है क्योंकि हवाने में दूध बनना है। अब जो गोरों की बकरियाँ छोटी छोटी, उनके इतने इतने थान हैं, इतने इतने, और हवाना ही है बस, कितना दूध होता है? हमारे बकरियों के फुट फुट थान हैं, हवाने लटके होते हैं, दूध होता ही कुछ। असल जो गेम है ना सारी, वो हवाने की है, इस चीज़ की, ना कि इस चीज़ की। इसका भी हवाना अच्छा है, बड़ा हवाना है, थान इसके निस्बत लंबे हैं, लेकिन उम्मीद है कि ये बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी ना। 4 दिनों तक उम्मीद है इसने बच्चे दे देने हैं, उसके बाद जो है वो इसकी सूरत हालवाजी होगी। ये जो बकरी आ रही है काली, इसका भी हवाना बड़ा शानदार है। ये देखे ना, बैक साइड से निकला हुआ है और थान निस्बतन छोटे हैं। देखे ये, उम्मीद है कि 4 किलो तक ये भी कर जाएगी, 3.5-4। ये चीज़ जो है ना, ये ग्रेड में नहीं आती, जैसे ये बकरी है ना। अब इसका देखें कि थान और हवाना एक ही, ऐसा लगता है कि जो है ना हवाना है कोई नहीं, थान ही थान है। आगे से कितने लंबे थान है, पीछे से भी उस तरह हवाना जो है ना, वो लहदा से नहीं है। थान और हवाना ऐसे लग रहा है एक जैसे है ना, साथ वाले का देखें लहदा नज़र आ रहा है। अब ये खड़ी हो तो फिर दिखाएं। हेलो जा,
कुछ बकरियां तावन नहीं करती, उनमें ये भी है। अब ये है बच्चे देने वाली, इतना बड़ा पेड़ है, भाग के पकड़ना अच्छी बात नहीं है इसे। लेकिन मकसद सिर्फ ये था दिखाने का, आगे से पकड़े। इधर तो लगा, इधर से देख लो ये पोजीशन है ना। वरना एक हो गया ना, मज़ा नहीं आया इसमें। देखिए ये हवाना लैदा है और नीचे थान लैदा लगे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ना, असल में डेयरी ब्रीड में ये चीज़ आती है, ये चीज़ जो है ना ये नहीं थी। ये देखें दोनों नज़र आ रहे हैं, खुद अंदाजा लगा रहे। अब ये देखें साथ भी हो गया, एक का वाजे हवाना नज़र आ रहा है, थान छोटे हैं नीचे। एक का जो है ना थान हवाना एक ही हो गया लंबा से लंबा, ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ थी। उम्मीद है इस वीडियो से, हाँ इस क्लिप से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि आपने जानवर खरीदने हैं तो किस तरह के खरीदने हैं, खाने वाने उनके कैसे होने चाहिए।